वर्ड है जिसका हमारी हर लाइफ पर बहुत गहरा असर होता है और वो है डिप्रेशन। एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जो लाइफ के हर खुशनुमा लम्हे में भी निराशा भर देती है, हर एनर्जेटिक सुबह को बोझिल बना देती और थकान से भर देती है, और आसपास के खुशी से भरे माहौल में भी दुख का एहसास कराती है। तो ये डिप्रेशन कई तरह का होता है और कई कारणों से हो सकता है, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की है। तो अब डिप्रेशन के सारे रीजंस जान लेने के बाद उससे बाहर निकलने का रास्ता भी तो हमें पता होना चाहिए। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ऐसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि इन एक्टिविटीज को अपनी नॉर्मल लाइफ में शामिल करके आप डिप्रेशन से दूर रह सके, और किसी भी रीजन से डिप्रेशन आपके आसपास आ भी गया हो तो आप उसे आसानी से अपनी लाइफ से बाहर कर सके या उससे डील कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं और डिप्रेशन से बाहर निकालने वाले इजी और इफेक्टिव स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है कि अपने दायरे से बाहर निकलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन होने पर लोगों से मिलना या बातें करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर खुश रहने का इरादा पक्का कर लिया जाए तो आसानी से डिप्रेशन को भगाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले खुद के सीमित दायरे से बाहर निकलना जरूरी होता है और बाहर की दुनिया से जुड़ना होता है। इसके लिए अपने ऐसे फैमिली मेंबर या दोस्त के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करनी चाहिए जो आपको ध्यान से सुन सके और बिना जज किए आपकी हेल्प करना चाहे। अपने खास लोगों से आपको जुड़ना चाहिए। जब कभी उनसे फेस टू फेस मिला जा सके तब उनसे जाकर मिलना ही चाहिए, और जब ऐसा पॉसिबल ना हो तो फोन, टेक्स्ट और सोशल मीडिया के जरिए भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। आसपास होने वाली सोशल एक्टिविटीज में पार्ट लेना चाहिए, भले ही ये बहुत ही बोरिंग, बोझल और आपको कितने ही मुश्किल क्यों ना लगे। एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा जाना शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मदद लेने के अलावा किसी की मदद भी करते हैं तो मूड बहुत ही तेजी से बूस्ट होता है और अच्छा फील होता है। इसीलिए किसी भी तरह की हेल्प करने में कभी भी पीछे ना रहे। चाहे किसी की भी प्रॉब्लम को सुनना हो या किसी तरह की प्रॉब्लम से निकालने में मदद का हाथ बढ़ाना हो, अपने साथ पालतू जानवर यानी कि पेट एनिमल रखिए, क्योंकि पेट एनिमल की केयर में पूरा दिन आसानी से निकल जाता है और किसी का साथ मिलने से मन भी डिप्रेशन को कम फील करता है। डेली मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, भले ही आपका मन देर तक सोते रहने का हो, लेकिन अगर डिप्रेशन को हराना है तो खुद को जगाना ही होगा। किसी क्लास या क्लब को ज्वाइन करके भी लोगों से कनेक्ट रहा जा सकता है, और आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारे वेबिनार होते हैं, फ्री वेबिनार होते हैं, अपने इंटरेस्ट के किसी भी टॉपिक को चूज करके आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी भी आपको लग रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल है, तो आज स्टेप नंबर 2 में आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। खुद को खुशी देने वाले काम करने चाहिए। खुद की पसंद के काम करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन डिप्रेशन में ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कुछ भी किया जाए। लेकिन जो डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं, उन्हें हर तरह की कोशिश करने को तैयार रहना चाहिए। जैसे कि खुद को ऐसे कामों में इन्वॉल्व कीजिए जिन्हें करके खुशी मिलती हो और टाइम का पता ही ना चलता हो। इसके लिए आप म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स जैसी किसी भी हॉबी को आजमा सकते हैं। डिप्रेशन को दूर करने में ये तरीका बहुत ही मदद करता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। माइंड को बेहतर फील कराने का रास्ता बॉडी से होकर भी जाता है, यानी अगर बॉडी को फिट और हेल्दी रखा जाए तो माइंड पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए डिप्रेशन को दूर करने के लिए फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए रोज सुबह वॉक पर जाना चाहिए। भले ही जल्दी उठना और बाहर निकलना आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए, इसके लिए किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर का साथ भी लिया जा सकता है। एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए, जिसे करने में शुरुआत में बहुत ही मुश्किल महसूस हो सकता है, लेकिन पूरी दृढ़ता यानी कि डिटर्मिनेशन के साथ करते रहने से कुछ दिनों के बाद एक्सरसाइज या योगा से आपका मूड अच्छा भी हो सकता है। आप एक चीज और ट्राई कर सकते हैं और वो है रिदमिक एक्सरसाइजेस। ये डिप्रेशन को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होती है, जैसे वॉकिंग, वेट ट्रेनिंग, स्विमिंग, मार्शल आर्ट्स और डांसिंग जैसी एक्सरसाइजेस जिनमें हाथ और पैर दोनों का मूवमेंट होता है। दिन में कम से कम 15 मिनट सनलाइट जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर पाया जाता है, यानी विंटर्स में सफिशियंट सनलाइट नहीं मिलने पर ऐसे लोग सैड, अपसेट और स्ट्रेस्ड फील करने लगते हैं, जो कि डिप्रेशन का ही टाइप होता है। तो जब भी मौका मिले 15 मिनट की सनलाइट जरूर ले, खास करके मॉर्निंग वाली, वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इसी के साथ आगे स्टेप नंबर 4,
पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी चाहिए। डिप्रेशन में पॉजिटिव सोच पाना आसान नहीं होता है, लेकिन डिप्रेशन में रहना भी तो नॉर्मल और डिजायरेबल नहीं होता। डिप्रेशन में नेगेटिव थॉट्स माइंड्स पर हावी होते रहते हैं और वही सच लगने लगते हैं। तो ऐसे में नेगेटिव थॉट्स को रियल समझने की बजाय उन्हें चैलेंज करना चाहिए और खुद को बताना चाहिए कि ये रियलिटी नहीं है। डिप्रेशन में बाहर से कितनी मदद मिलती है, इससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम खुद की कितनी मदद करना चाहते हैं और कितनी जल्दी डिप्रेशन को खुद से अलग करना चाहते हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं। इसीलिए हर हाल में खुद को संभालने और खुद पर यकीन रखने की जरूरत होती है। डिप्रेशन को दूर करने में इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के बाद भी अगर डिप्रेशन में राहत ना मिले तो बेझिझक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। इवन आप किसी से बात कीजिए, बात करने भर से आपको मदद कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, लेकिन उम्मीद का दामन ना छोड़े। तो दोस्तों, डिप्रेशन होने से रोकने के लिए भी अपनी डेली लाइफ में आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि हम खुद और हमारे सभी अपने डिप्रेशन से दूर रह सके। अगर किसी तरह का डिप्रेशन महसूस भी हो तो उसे कम करने में और प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई परेशानी ना हो। वैसे इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि दुनियादारी की हम बात करते हैं, हम उसका भला करेंगे, हम उनसे बातें करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास आइए, लेकिन हमारे फैमिली के जो 3-4-5 मेंबर है, कभी हमने क्या उनसे बात की है? ये जो टाइम चल रहा है जब हम एक साथ घर में रह रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है, हमारे ओपिनियंस नहीं मैच करते हैं, हमारी एक दूसरे से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन दिल पर हाथ रखकर एक बार के लिए अपने उन फैमिली मेंबर से बात कीजिए। मॉम, डैड, आपका भाई, आपकी बहन, जो भी है, अगर आपका कोई वाद विवाद हुआ है, किसी बात को लेकर बहस हुई है, तो ठीक है, बहस सबकी होती है, लेकिन उसे खत्म करके आप एक नए सिरे से कॉन्वर्सेशन शुरू करें, क्योंकि डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। किसी के लिए छोटी सी बात भी बड़ा डिप्रेशन हो सकती है, तो किसी के लिए बड़ी बात डिप्रेशन हो सकती है। सबका अपना अपना लेवल है। तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें कि आपके घर में तो कहीं कोई कोने में चुपके से कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है, या कोई ओपिनियन तो नहीं बना रहा है, या दूसरों से अलग तो नहीं बिहेव कर रहा है। प्लीज उसका ध्यान रखिए, टेक केयर करें। और उसके बाद जब फैमिली का काम पूरा हो जाए तो फिर बाकी दोस्त है, रिश्तेदार है, सबसे आप कम्युनिकेट करें। वैसे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना है, ताकि कोई भी इस टाइम अगर डिप्रेशन में है या सोच रहा है तो उसे एक मदद मिले। इसी के साथ दोस्तों, ये जंग हमारी लंबी है जिंदगी की, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें एक दूसरे का साथ देना है। और इसी तरीके से आपका दोस्त क्विक सपोर्ट आपके साथ है आपकी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। और प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। आप जो भी सवाल लिख रहे हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं उस पर वीडियो बनाए, लेकिन थोड़ा समय लगता है, उस पर रिसर्च की जाती है, टीम उस पर काम करती है, तब जाकर वो वीडियो आप तक आता है। तो एक छोटे से क्वेश्चन के पीछे एक बहुत बड़ा एफर्ट होता है, तो बस उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए और हमेशा खुश रहिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का, अपने आसपास के लोगों का। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। साथ ही साथ ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।